गाइस वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक सीम। यहाँ पर इंडियन सुपर कप का मैच हो रहा है। रोज ही मैच होते हैं भाई इंडियन सुपर कप के, आजकल 2 बजे और कहीं शाम को। तो बात करें, मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देखिए नॉर्थ ईस्ट और शिलोंग लेजोंग के अंदर नॉर्थ ईस्ट टीम बहुत ज़्यादा आगे है। मतलब मैंने ये देखा है कि शिलोंग टीम जो है वो डिवीज़न 2 में खेलती है, या फिर सॉरी वो खेलती डिवीजन लीग 1 में, और ये खेलती है मेन ISL लीग के अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर, जो कि नॉर्थ ईस्ट को मजबूत बनाता है। उसके बाद आज काफी ज्यादा मैचेस भी हैं। आज AFC मैच है, AFC लीग के मैच है, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के मैच है, तुर्किश लीग के मैच है, और सबकी वीडियो आएगी क्योंकि सारे के सारे मैच ऑलमोस्ट जैकपॉट है भाई साहब। इतने ज़बरदस्त मैच आपको मिलेंगे नहीं, इस दिन को इन्जॉय कर लो, साफ बता रहा हूँ, बहुत अच्छे मैचेस हैं। तो चलते हैं आपको इंडियन सुपर कप की टीम के लेके, और तो शुरुआत करते स्ट्राइकिंग से। देखिए स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर पी सुंदर को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लूँगा, क्योंकि पार्थिव सुंदर गोगोई कई बार हार जीत का कारण बनता है भाई, क्योंकि जब छोटी टीम सामने हो तो एक कोई नॉर्मल प्लेयर भी गोल करने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर, और पार्थिव सुंदर तो थोड़ा अच्छा प्लेयर है ही। और उसके बाद एक इनका प्लेयर है भाई इप्सन, ये भी खेल सकता है क्योंकि अनदर लीग है। उसके बाद इनका एक प्लेयर है एम जिथिन, ये भी खेल सकता है, और अगर MS जिथिन खेलेगा तो मैं लूँगा, क्योंकि जिथिन का गोल आना मतलब 50% चांसेस है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे से अगर बात करें ऑपोजिशन टीम की, तो हैडजी की बात करूँ, देखिए एक है प्लेयर इनकी टीम में ई हैडजी, और एक इनकी टीम के अंदर प्लेयर है जिसका नाम है यहाँ पर लावंग। तो लेवंग भी गोल कर सकता है, अगर उसका मतलब अगर गोल आ गया तो कोई घबराना मत, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसलिए आप हैडजी को लो, क्योंकि हैडजी के चांसेस उससे ज़्यादा हैं गोल करने के, और मेन प्लेयर है हैडजी। अब मिडफील्डिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं लूँगा आर पॉलिनो को, उसके बाद नोंगबरी को तो छोड़ना मत। अगर नोंगबरी नहीं खेल रहा फिर तो चलो छोड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अभी मत छोड़ना। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो के सिंह बिल्कुल बेकार प्लेयर है। उसके बाद एम अली की बात करूँ, ये भी मेरे को कुछ खास तो लगा नहीं भाई, इसलिए मैं सीधा सीधा आपको एक ही प्लेयर लेने की राय दूंगा जिसका नाम है रोमेन, ठीक है रोमेन को लो। उसके बाद और यहाँ पर प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पर कोई इतना खास प्लेयर है नहीं, और यहाँ पर एक और है प्लेयर जिसका नाम है प्रज्ञान, ठीक है प्रज्ञान को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो अगर वो खेलेगा। उसके अलावा यहाँ पर कोई ढंग का प्लेयर नहीं है ना। आगे से अगर बात करें डिफेंडिंग की, तो ए अख्तर, ए अख्तर को यहाँ पर मैं जरूर लूँगा। अख्तर के बाद टी सिंह तो बनता ही बनता है, टी सिंह छोड़ दिया तो क्या टीम बनाई हम लोगों ने। उसके बाद एस सिंह को यहाँ पर हम लेंगे, एस सिंह के बाद यहाँ पर जो भी 4 डिफेंडर करेगा हम उसके साथ जाएंगे। पिछले मैच में नॉर्थ ईस्ट का एक प्लेयर है जिसका नाम है गौरव बोरा, जो कि 10 जनवरी को जमशेदपुर FC के खिलाफ खेला था, इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। पिछला मैच बड़ा बेकार गया था इनका, लेकिन मैं होपफुली ये मैच अच्छा जाए। एंड गोल कीपिंग सेक्शन की बात करें, देन बी लामा यहाँ पर बनता है, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने खिलवाया था एन चैलियो को। अब अगर चैलियो नहीं खेला तो बी लामा खेलेगा, और अगर बी लामा नहीं खेला तो चैलियो खेलेगा। बात करें यहाँ पर कप्तान की, देखिए मेरी टीम का जो कप्तान है वो है यहाँ पर अपना पी सुंदर गोगोई, और वाइस कप्तान देखिए डिफेंडर को रखना रिस्की है, क्योंकि कल को अगर एक भी गोल ओपोजिशन टीम कर देती है तो उनके पॉइंट नहीं मिलेंगे, इसलिए रोमेन को यहाँ पर मैं लूँगा। तो ये हमारी टीमें मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।